नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत और वक्त है एशियन रफ्तार का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मतदान अधिक से अधिक करवाने के लिए तरह तरह के अभियान चला रहा है। जागरूकता रैली एवं सोशल मीडिया पर काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में नाम निर्देशन फॉर्म वापसी के अंतिम दिन 7 अभ्यर्थियों में से 2 ने अपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिए हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस भाजपा सहित 3 निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। भोपाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में कही। कसरावद में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर और जिला SP ने कसरावद क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं 17 तारीख के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन शासकीय कर्मचारी को अपनी ड्यूटी दिशा निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता और आगामी चुनावों के कारण कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केड़िया व विजय राघवगढ़ SDOP के सुपरविजन में पुलिस लगातार मुस्तैदी से डटी हुई है। बदनावर विधानसभा के ग्राम बिडवाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पक्ष में सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और सोनकच विधानसभा से एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया। उज्जैन के घटिया में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक पुनीत गोयल ने अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महितपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां एक बिना नंबर के ट्रैक्टर से भारी मात्रा में बियर कैन और अवैध शराब जब्त की। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगरौली पहुंचे, उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में BJP पर जमकर हमला बोला। आलोट में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है, इस कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। यहाँ भोपाल में उन्होंने पत्रकार वार्ता करके अपनी बात रखी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बयान दिया और कहा कि मनीष पांडे ने नामांकन पत्र वापस लिया। उन्होंने कहा कि विंध्य के लोगों का समर्थन हमारे साथ रहेगा, विंध्य के लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। विधानसभा चुनाव के चलते लगातार प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। उसी के चलते इंदौर की विधानसभा 5 में BJP प्रत्याशी महेंद्र हाड़िया द्वारा सतत जनसंपर्क किया जा रहा है। चुनाव सरकार की नैया को पार कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले में चुनाव प्रचार करने के लिए 14 नवंबर को शाहजहांपुर आ रहे हैं। खंडवा स्थित नगर निगम परिसर में मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी पर केंद्रित मतदाता जागरूकता अभियान मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया।